हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीधी रसोई से। आज हम बनाएंगे आंवला मुरब्बा। तो चलिए बनाते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ फ्रेश आंवले ले लिए हैं। मुरब्बे के लिए जब भी आंवला लें तो मोटे मोटे खरीदें। और ये मैंने यहाँ पे आंवला को धो के पोंछ के रख लिया था। और अब इसमें हम फॉर्क की सहायता से होल कर लेंगे। पूरे आंवले में होल करने हैं क्योंकि अंदर तक चाशनी जाएगी जब भी मुरब्बा मीठा बनेगा। तो अब हम फॉर्क की सहायता से यहाँ पे होल कर रहे हैं। इस तरह से आपको होल करने हैं। फॉर्क से क्या है, एक फ़ायदा है, इससे चार चार एक साथ होल हो जा रहे हैं। अगर हम चाकू से या किसी से करेंगे तो एक कट ही लगेगा। फॉर्क आंवले को गोदने के लिए एक छुरी आती है जो मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहें तो फॉर्क से कर सकते हैं, आप चाहें तो उसे भी ला सकते हैं, इनसे हो सकता है। और इसको फॉर्क करने के बाद में हम इसको पानी में डालेंगे क्योंकि ये काले पड़ जाएंगे। इसमें से जो जूस निकलता है वो बहुत ही आयरन युक्त होता है, तो इसको हम पानी के अंदर डालते जाएंगे। भी हम पानी के अंदर डाल देंगे और ऐसे ही सारे आंवलों को हम फॉर्क से होल कर लेंगे। एक एक करके सारे आंवले, यहाँ पर मैंने सारे आंवले कर लिए हैं। देखिए कैसे वाइट वाइट एकदम से हो रहा है, इसमें सारे में मैंने होल कर लिए हैं। और अब हम इसको आगे के प्रोसेस पर ले चलते हैं। मैंने यहाँ गैस पर एक पैन रखा हुआ है जो मोटे तले का है, और थोड़ा मोटा ही पैन लेना होता है क्योंकि इसके लिए हमें चाशनी जब बनाते हैं तो बिना पानी के चाशनी बनती है। तो सबसे पहले हम इसमें आंवले डाल देंगे। पहले हम इसमें पानी और चीनी नहीं डालेंगे, हम सबसे पहले आंवले डालेंगे। उसके बाद में हम इसमें बिल्कुल चीनी साबुत डाल देंगे, पिसी हुई चीनी नहीं डालनी है इसमें, क्योंकि साबुत चीनी से जो चाशनी बनेगी इसकी दानेदार बहुत ही अच्छी बनेगी। तो एक बार इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर इसको हम रख देंगे। और धीरे इसमें हमें पानी नहीं डालना है क्योंकि पानी डालने से ये पतली चाशनी हो जाएगी और अपन को ज़्यादा पकानी पड़ेगी। इसको हम नॉर्मल, क्योंकि आंवलों के अंदर इतना पानी होता है तो अपने आप ही पानी इसमें हो जाता है। इसको चलाते रहिए, बस अपने आप चीनी मेल्ट होने लग जाएगी। और यहाँ पर मैं धीरे धीरे से चला रही हूँ। और मैंने थोड़ा सा बर्तन छोटा ले लिया है, आप लोग थोड़ा सा इसे बर्तन बड़ा लिए। मेरे पास थोड़ा मोटा बर्तन इस अवेलेबल नहीं था इस टाइम, तो मैंने इसको ही रख लिया है। और अभी आप इसको धीरे धीरे चलाएंगे। देखिए धीरे धीरे चीनी मेल्ट होती जा रही है और चाशनी बनती हुई जा रही है। और यहाँ पर ये एकदम से चीनी सारी मेल्ट हो गई है, तो अब हम इसको थोड़ा सा ढककर पकाएंगे 5-7 मिनट के लिए, क्योंकि ये ढक के जब पकाएंगे तो इसमें चाशनी बनेगी अच्छे से, भाप बनेगी और भाप बनकर इसमें चाशनी अच्छे से बनने लग जाएगी। तो हम इसको एक प्लेट से कवर कर देते हैं। 5 मिनट बाद हम इसको खोल कर देख लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब देखिए चाशनी चारों तरफ से अच्छे से बॉयल होने लगी है। और इसको अभी ऐसी चाशनी नहीं चाहिए, चाशनी हमें और भी अच्छी चाहिए, तो उसको हम और ढक देते हैं। 5 मिनट बाद एक खोल के देखेंगे, चाशनी फिर से अभी उतनी ही है जितनी पहले थी। तो अभी हम इसको बिल्कुल मुरब्बे की चाशनी की ऐसे बनाएंगे जैसे रसगुल्ले की चाशनी बनती है, एकदम काली काली चाशनी बन जाती है। मतलब ज़्यादा काली नहीं, वहाँ ब्राउन कलर की चाशनी बनने लग जाती है जब हम समझ जाते हैं कि हमारा आंवला एकदम मुरब्बा तैयार है। तो अभी हम इसको और बॉइल करेंगे ढककर मीडियम पर, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको रखेंगे। आंवला बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, चारों तरफ से देखिए झाग वाली चाशनी आने लगी है। चाशनी तो करीब करीब तैयार है पर अभी इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हमें इसको और पकाना पड़ेगा। तो अभी हम इसको और 5-10 मिनट के लिए सिम पर रखेंगे। इसमें जब तक हम थोड़े इंग्रेडिएंट डाल देते हैं। खुशबू के लिए मैंने इसमें केवड़े का एसेंस डाल दिया है 1 चम्मच, 1-2 ड्रॉप, और 1 छोटा चम्मच इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे।
और इसको थोड़ा सा, जैसे चाशनी का है मैटर, इसमें और कोई चीज़ नहीं डाल सकते हैं, तो थोड़ी सी हम इसमें क्लियर करने के लिए, थोड़ा चाशनी साफ़ हो जाएगी इसकी, तो एक टुकड़ा हम इसमें अभी फिटकरी का डालेंगे, छोटा सा टुकड़ा डालेंगे, छोटा सा, बिल्कुल इतना सा टुकड़ा डालेंगे बस, और फिर हम इसको पका लेंगे थोड़ा सा चलाते हुए, और ढककर हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। वापस हम इसको 5 मिनट बाद खोलेंगे। अब इसकी चाशनी अच्छे से तैयार हो गई है, देखिए इसका कलर भी एकदम रसगुल्ले जैसा आ गया है, तो आप समझ लीजिए कि चाशनी एकदम तैयार है। देखिए गाढ़ी चाशनी हो गई है। अगर चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हो रही है तो आप इसमें इस टाइम में पानी भी डाल के वापस से इसको उबाल लें, क्योंकि चाशनी ठंडी होने पर ज़्यादा गाढ़ी होती है। जब ज़्यादा चाशनी गाढ़ी अभी है तो ठंडी होने के बाद में बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, इसीलिए इस कंसिस्टेंसी का आप बहुत ध्यान रखना कि इस टाइम पे अगर चाशनी ज़्यादा गाढ़ी है तो पानी ज़रूर डाल दें इसमें। ये चाशनी एकदम ठीक है, बिल्कुल मैंने एकदम परफेक्ट बना लिया है, तो इसको अंदर तक चाशनी को फेरिस्त हो जाने दीजिए एक बार, उसके बाद हम इसको बोट में भरेंगे ठंडा होने के बाद में। ठंडा होने के लिए हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं, इसके बाद हम बोट में भर लेंगे, इसमें जल्दी से ठंडा हो जाएगा। देखिए आमला एकदम तैयार हो गया है। जब भी आमला मुरब्बा बनाए तो उसके लिए पका हुआ आमला लेके आए, कच्चे आमले बनाएंगे तो ये इस टाइम अभी जैसे आपको एकदम मोटे मोटे चाशनी में दिख रहे हैं ना, अगर अपन कच्चे ले आते हैं तो ये इस टाइम में सिकुड़ जाएंगे, इसकी स्किन एकदम सलवा वाली सलवटें पड़ जाएंगी स्किन के ऊपर, तो इसका मतलब आप इसको अच्छे से चेक करके लाएं कि आमला एकदम पका हुआ है या कच्चा है। आमले का मुरब्बा बनाते टाइम यही ध्यान रखना होता है, बाकी इसमें कुछ खास बात नहीं होती है, इंस्टेंट बनाने में बहुत ही ईजीली बन जाता है। और इसमें हम इसमें चाशनी भर देते हैं पूरी चाशनी, क्योंकि ये साल भर तक जब अपन को चलाना है तो इसको अच्छे से डुबो के रखना होता है चाशनी के अंदर, तो हम इसको अब अच्छे से चाशनी में डुबो देंगे, और ठंडा होने के बाद में इसको हम बोर्ड में डालेंगे। सर्दियों में आंवला बहुत ज़्यादा आता है तो हम इसको बना के रख लेते हैं, और गर्मियों में इसका यूज करते हैं, इस टाइम आंवला बहुत ठंडा करेगा, तो इसको हम अभी बना के रख लेंगे और गर्मियों में काम में लेंगे। और अब हम इसमें ठंडा हो गया है तो इसको अब एक बोर्ड में भर के रख देंगे। और आमले को मैंने यहाँ पे चाशनी में और बोट में भर के रख दिया है। आमला मेरा तैयार है, और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।